मेलघाट की राजधानी कहे जाने वाले धारनी शहर में विदर्भ न्यूज पहुंच चुका है और हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं धारनी भाजपा के तालुका अध्यक्ष आप्पा पाटिल, जो आज यहां पर अमित शाह जी की सभा होने वाली है। इस सभा के मद्देनज़र हम आप्पा पाटिल से कुछ प्रश्न पूछते हैं। पिछले एक वर्ष पहले आप्पा पाटिल ने बीजेपी को ज्वाइन किया था और आज तालुका अध्यक्ष के रूप में काफ़ी उन्होंने धारनी तहसील में बीजेपी को सवारा है, नया आयाम देने की कोशिश की है। आप्पा जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर पिछले एक साल से तालुका अध्यक्ष करके काम कर रहे हैं, तालुका अध्यक्ष करके भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके आने से पहले यहाँ पर भाजपा की स्थिति कैसी थी और आज की परिस्थिति क्या है? भाजपा की स्थिति, जब से आदरणीय पटले गुरु जी विधायक रहे हैं तब से बहुत अच्छी परिस्थिति मेलघाट में भारतीय जनता पार्टी की रही है और पहले से काफ़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक यहाँ मेलघाट में रहा है। उसी के लिए पटलिया गुरु जी, उसके बाद में राजकुमार पटेल, उसके बाद में प्रभुदा जी विलावेकर और अभी ऐसे उम्मीदवार है रह चुके हैं विधायक, और अभी भी जो हमने उम्मीदवार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने रमेश मावसकर के रूप में, काफ़ी बड़ी मात्रा में उनकी विजय ऐतिहासिक विजय होगी। अभी तक के जो उम्मीदवार जीत कर आते थे वो कम मात्रा की लीड रहती थी।